गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु के दलिन सृष्टि और चिटी के जिन हो गए आज लय का लय का अर्थ होता है हम जिस सत्ता से हम बाहर निकले हैं उस सत्ता में हमारे लिए होना हम गुरु के कभी अंग थे विखंडित हुए इधर उधर फिर गए इधर उधर चले गए गुरु अपने जीवन में बहुत बार आए और प्रयत्न करते रहे कि आपके सबको एकत्रित हो और एकत्रित होकर फिर उस गुरु में अंगीन हो गया कि सत्य है और ये भगवान शिव जी कहते हैं सृष्टि सृष्टि लय है ब्रह्मा सृष्टि करते हैं सृष्टि को बनाए रखते हैं भगवान विष्णु और लय करते हैं भगवान महेश्वर इसीलिए हम गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों तरीकों में रक्षा करने वाला कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर आदि साथी है कि प्रभु सृष्टि और सृष्टि लय इन तीनों में भी आप महाकाली करते हुए गुरु अंश रूप में अवतार लेते हैं और अपने शिष्यों का उद्धार करते हैं इसमें इन तीनों गुणों को अगर हम समझ सके तो हम परब्रह्म को समझते हैं बहुत सारे गुरुओं ने आज तक भी कहा चाहे आज के गुरु गुरु शंकराचार्य जिन्हें भी आज के जगदगुरु की मान्यता मिली उन्होंने भी कहा कि हम माया से परे हैं माया से अलग हों लेकिन ये प्रक्रिया आज तक किसी ने भी नहीं की माया में यही शरीर को लेना पड़ा माया यही हम है ही माया से हटने की प्रक्रिया से श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि माया से माया को समझो और माया से खेल खेलो माया जिसको खेल खेलने आता है वो भगवान क्या करता है और माया से हटने की प्रक्रिया जो होता है वो सन्यासी बन जाता है गुफाओं में धन सीख जाता है जैसे गुफाओं में छिपे हुए सन्यासी हैं आज वो माया के लड़के बैठे हुए हैं लेकिन कृष्ण एक ऐसा भाग्य था जो माया से खेल खेलता था और प्रभु जी सदगुरुदेव ने कहा कि मेरे शिष्य को मैं कृष्ण बनाना चाहता हूँ वो माया से खेलने वाले वो खास समाज से भागने वाले नहीं खतरा में बैठने वाले नहीं सन्यासी में सन्यासी में जैसे जीवन जीने वाले नहीं मैं तो सन्यासी को जो उपमान बैठे उनको बाहर नहीं खेला रहा हूँ सिद्धार्थ में बैठे हुए योगियों को बात करा रहा हूँ कि तुम्हारी विद्या यही सीमित हो गई आप बाहर आओ एक विद्या को बोलो चारों को समझाओ माया जिसको खेल खेलने आता है वो भगवान क्या करता है और माया से हटने की प्रक्रिया जो होता है वो सन्यासी बन जाता है गुफाओं में धन सीख जाता है जैसे गुफाओं में छिपे हुए सन्यासी हैं आज वो माया से लड़के बैठे हुए हैं लेकिन कृष्ण एक ऐसा भाग्य था जो माया से खेल खेलता था और प्रभु जी सदगुरुदेव ने कहा कि मेरे शिष्य को मैं कृष्ण बनाना चाहता हूँ वो माया से खेलने वाले वो खास समाज से भागने वाले नहीं खतरा में बैठने वाले नहीं सन्यासी में सन्यासी में जैसे जीवन जीने वाले नहीं मैं तो सन्यासी को जो उपमान बैठे उनको बाहर नहीं खेला रहा हूँ सिद्धार्थ में बैठे हुए योगियों को बात करा रहा हूँ कि तुम्हारी विद्या यही सीमित हो गई आप बाहर आओ एक विद्या को बोलो चारों को समझाओ तो कृष्ण की जिन्हें जो विद्या की जिन्हें दोनों में कौन सी है हमने बहुत सारे लोगों को देखा कि हम माया से ऊपर उठ जाए माया को जीत लें तो हम माया में है ही माया में ही हम लीन है माया में रहते ही है लेकिन उस माया के साथ अगर हम देखते हुए हर क्षण हम ये देखते हुए माया हम ये पहचान रहे हैं ये बात कहने वाला संसारी ग्रस्त की ब्रह्मा है की विष्णु है और वही महेश्वर है क्योंकि वो भी शादी किया उनको भी बच्चे हैं उनको भी जीता है लेकिन एक भाग्य की प्रक्रिया करने वाले हैं और सन्यासी माया से लड़कर भागते हैं गुफाओं में जाते हैं सभी को छोड़ देते हैं क्योंकि उनके डर है माया की स्थिति कर लिए श्रेष्ठता किनकी है अच्छी खास किसी दरमियान है और यही सन्यासी आज भगवान श्री कृष्ण को पूछते हैं भगवान पर परब्रह्म को पूछते हैं महावीर को पूछते हैं महासरस्वती को महालक्ष्मी को महाकाली को महेश्वर जी को सभी को पूछते हैं चाहे सन्यासी को भाग्य भी करना संसार के भाग्य भी करना क्यों उन ग्रस्तों को पूजा जाता है वो देता है
हृदय का तो है ये वाले, और इस माया में जगत से जो खेल खेलता है और उसके साथ खिलवाड़ करते हुए जीता है और उसका आनंद लेता है, माया को भी आनंद ले जाता है, उसे कृष्ण कहा गया, उसे काली कहा गया, उसे प्रक्रम कहा गया, उसे महत्व कहा गया, और उसकी कथा को बताने वाले को गुरु कहा गया। किंतु अंश रूप में हमारा साथ आता है, हमारे साथ आकर खेल लेता है, हमारे साथ आकर रहता है, हमें को ज्ञान देता है। ऐसा कोई माया से जीता है, माया से छूट कर भागे लोग बहुत सारे मिल जाएंगे आपको माया से ज्यादातर, लेकिन माया के साथ रहकर माया के साथ जीतने वाले उन्हें जीता भाग गए। और यह प्रक्रिया ही परक्रम मार्ग माया के समझाते हैं, ये माया मान लिया गया है कि चरणों में बैठे हैं, और उन्होंने कभी नहीं कहा कि माया हम आपसे जीते हैं, हम तो जीतेंगे, हम तो तेरे पास बैठे रहे, हम जैसे किसी भी रूप में शिव के आसन पर आसन आसन के नीचे प्रकरण गणपति लेकर बैठकर अपने गौरव लेकर महाशक्ति महाराज की महाराणी जिस बालक सुंदरी या ललिता की छत काम से दौड़ रहे हैं, ऐसी श्रद्धा हो, ऐसी माया हो, और उस माया से कहते हैं हम तुझे उत्तर में हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ तुम्हारी माया को पहचानते हैं, तुम्हारी माया को पहचान दिए हैं, इसलिए हम दोस्त हैं, हम आनंद अनुभव कर रहे हैं। लेकिन सन्यासी क्या कहता है कि माया में पड़ने से दुख आता है, और जो उस सुखों को झेलते जीता है वो माया से खेलने वाला वो पुरुष है, माया से माया को समझने वाला वो पुरुष है, उसको तो कहा जा रहा है, वो देव कहा जा रहा है। यही प्रक्रिया उस समय भी हमारे जीवन में हम एक पौराणिक कथा सुनते हैं, महाशिवाली की, जो पहले एक चोर था दूसरे के वे जंगल में जो भी वैश्य है जो भी उन्हें अपने संपत्ति संपत्ति से ज्यादा उसको लूट लेते, उसको मार देते थे, गरा देते थे, उसे इसे कर्म करने वाले पास जो धन है वो ले और लूट लेकर अपनी अपना अपने परिवार को चलाते थे। एक प्रवास को चलाने वाले वल्मीकि को एक दिन पाला पड़ा भगवान महर्षि नारद से। महर्षि नारद के जीवन में वो नारायण की इतने भक्त हैं कि उन्होंने जिन चीजों को भी आज तक उपदेश किया है वो संसार की अवस्थित हुए, क्योंकि स्वयं महाशुक्र ब्रह्मा जो नहीं कराए, स्वयं ब्रह्मा भी है और स्वयं नारायण के पुत्र भी होने के कारण सारे देवताओं के भी है और राक्षसों के भी किए हैं, परिवार चलाने वाले वाल्मीकि से पहली बार मिले तो उन्होंने नाल को पकड़ लिया, नाल को नारायण नारायण कहते हुए वाल्मीकि से पकड़ लिया, पकड़ लिया कहता ए ऋषि कहा जा रहा चल तेरे पास जो भी धन है दे दे, ऋषि ने कहा मेरे पास क्या धन है बिना बिना किया तू मुझे लूटेगा क्या, तू कहां घर के घर पे धन छुपा के आया क्या, तेरा घर कहां है, वाल्मीकि जो छोटा बाबू से कहते हैं उसने कहा तेरा घर नहीं नहीं तेरे बीवी बच्चे नहीं प्राप्त नहीं कर सकता
मिले ना, ऐसा हो सकता है इसको फिर से मार लिया कि पैर की भूमि ने इसको बोल दिया है कि तुम्हारा कैसे है, कि फिर भी जीवन में पहली बार ऐसे मनुष्य के पास पड़ा इसको तो पेड़ को मान ही लेते हैं जो कुछ होना है हमको उन्होंने पेड़ को वाल्मीकि को पेड़ को मान लिया और अपने प्रतिक्रमण के पास चले गया। वहाँ प्रतिक्रमण ने पूछा क्या हुआ, आ गया था तुम्हारी आदमी आया मेरे पास इसको पेड़ को मान देता है क्या हुआ क्या हुआ क्या उसको मैंने पूछा बहुत तरीके से आपसे जितने भी पूछा उसके बीवी बच्चों को सबको बोला तो वो बोली धंधा के लिए जाना ये होता है खाना नहीं खाता मेरे बाप अपने लिए मैं सूची हूँ मेरे पास इतनी देर के लिए नहीं है मैं खाना खाता हूँ मैं देख रहा हूँ भूख होता है इसलिए मैंने उसको पेट को मांग लिया। पति पत्नी ने कहा बहुत अच्छा किया ऐसे लोग झूठे को होते हैं मुझे पता भी लगा कि रोज यहाँ से उठता है इसलिए तुम छुपा गया हुआ हो और मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा ही बताने के लिए बता रहा था तो ऐसा अच्छा है पा लिया अभी क्या उसको सबसे अच्छी परीक्षा नहीं हो तो हमको ये भी नहीं मिलता ये बच्चा आप बता दे इसको बस खत्म वो तो पहले जरूर देगा ये उसको काटना है तो देगा ये अभी तरह नहीं देगा वाल्मीकि को लगा ये बात इसे ये मेरे पत्नी बहुत मेरे से पूछा ऐसा कहाँ कुछ पढ़ी है बता नहीं वाल्मीकि गए और चाकू पकड़ लिए और ले जाकर ए क्या जो भी है कबूल वाले तो अपने आप को झूठा समझता है क्या कि देख दो मिनट के अंदर अंदर तो अगर पैसा निकाला तो खाने का तरीका किस तरह करने का मैं नहीं बोला तो तेरे उस चाकू से काट ही दूंगा तुझे मार ही दूंगा। तो नानी मामा से हंस के अरे तेरे को मारता हूँ बोलता हूँ खत्म करता हूँ तो फिर भी हंसता है। वाल्मीकि ने कहा तेरे को तुम्हें मार नहीं सकता बोले वाल्मीकि का सर घूम गया बोले ये मैं मारने की बात कर रहा हूँ इस फिर मुझे कहता है तुम्हें मार नहीं सकता क्या बात है चाकू तेरे को नहीं दिया बोले तू चला तो देख मेरे को उन्होंने वाल्मीकि को चला चाकू चला कर देखी कि वो तो नारायण नारायण कह रहे थे उनके नारायण नारायण कह रहे थे चाकू चले नहीं वो तो जान कर रहा है कुछ भी हो रहा है। वाल्मीकि दो मिनट के लिए परेशान हो गए बोले ये क्या तुम किस पत्थर से बना है अरे यार तू इंसान है तो भूत प्रेत तो नहीं है क्या है मेरे चाकू इसे लिए खाना नहीं खाता तो भूत प्रेत हुआ। फिर गया पति के पास वाल्मीकि अरे तुम क्या बता रहे हो उसको चाकू से काटा तो नहीं काटा है वो भूत प्रेत काटा होगा कोई तो ऐसे पिछाड़ पिछाड़ चल रहा यार वो कटता नहीं है वो तो डरता नहीं है किसी के बारे में उसका क्या करे। पत्नी ने कहा अरे ऐसा हो ही नहीं सकता तेरे पुत्र को गोली मार रहा है बोले ये तू ये बता कि ये तो भूखा बैठा है ना तुझे जो मैं बांध के रखा हूँ तू रुक भी नहीं खाया है और तेरे मुंह पे तेरी भूख भी इतनी भी कोई आशा नहीं है तुझे तेरे ऊपर ये तू कैसे ले गया तू कुछ राजा अलग राजा की कथा है तेरे ऊपर तो तेरी माया है क्या कुछ भी मैं नारायण कह रहा हूँ नारायण कहने से क्या पेट भर जाता है मेरे को तो रहता है लेकिन नहीं भरता हूँ आज हम मैं भी जाता नहीं
उनका उद्धार करना है। तो नहीं जाएगा तो यहाँ रहकर क्या करेगा? यहाँ रहकर फिर बताऊंगा मैं कैसे जीता हूँ और फिर भी कैसे जीने लगाऊंगा। नहीं 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 आप ऐसी बात मत कर, मेरे बीवी बच्चे जरूर है कि जिसे भूखे हैं उनके पास कुछ नहीं है। एक बात ऐसी कर कि मेरे बीवी बच्चे के पास जा और उनको बुला लिया, मैं उनको समझा दूँ कि किस तरह जिया जाता है, नारायण नारायण कहते हुए। उन्होंने बीवी बच्चों से कहा कि वो आदमी जो है वो कह रहा है कि बिना आप खाना पीना खाए नारायण नारायण करके जी सकते हैं, आपका जवाब वो नारायण का होकर खाना खा जा कर सकती है चाहे वो बता नहीं तैयार है। और यहाँ से रूट के रूट के बहुत अच्छे से खाना रहा हूँ और ये बात आने वाली है वो के साथ आने वाली है उन्हें आएंगे। वाल्मीकि ने कहा ये बेवकूफ करके और मैं जो बेवकूफ कह रहा हूँ। अरे वाल्मीकि आज के जमाने में मेरी तलवार को देखिए, मेरे चाकू को देखिए, शर्म करने वाले ये तंबूरे वाला मुझे बेवकूफ कर रहा है, कह रहा है क्या बात है मुझे बेवकूफ कर रहा है वो कहने। तो कहने लगे कि तेरे बीवी बच्चे हैं रोज तेरा लुटा हुआ धन तो खाते हैं, आज तो बुला रहा है यहाँ आए, मैं भी यहाँ जीने का तरीका सिखाता हूँ, तो यहाँ क्यों नहीं आए तुझे पता है? बोला क्यों? मैंने कहा कि वो तुझे तेरा लुटा हुआ धन खाने के लिए तैयार है लेकिन तेरे साथ यहाँ आगे भी यहाँ बैठा हूँ ना, तुझे मेरे मुझे भी पालना होगा, इसलिए उसके डर से वो कहे मुझे हटा दे। तो मम्मी ने कहा क्या तुझे भी पालना होगा? हाँ तुझे तो तीन से बैठा हुआ 14 बजे तेरे साथ में, तुझे तेरे साथ ही पालने वाला तेरे साथ ही रहने वाला हूँ और मैं तेरे ही में से नहीं होगा। तो यहाँ ने कहा ये नहीं होगा तो तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। कहा क्या बात माननी पड़ेगी? मैं तुझे लूट का बहुत सारा धन दिला देता हूँ, इतना धन कि तू जीवन भर उसको प्राप्त के लिए सोच सकेगा नहीं, इतना धन मैं तुझे देता हूँ लेकिन ये शर्त करता हूँ कि तेरे पति बच्चों को जाकर एक बात बोले कि वो जो तंबूरे वाला है उसको बहुत धन धन देने की बात कहता है लेकिन कहता है कि उसके साथ मुझे जाना होगा, क्या वो मान लेते हैं? तो वाली कहता क्यों मैं ये शर्त हूँ और फिर धन लेकर ले जाए तो मैं ये तो मैं तो जैसा रहने वाला नहीं, जहाँ धन रखा हुआ मैंने वहां से धन दूंगा तो ले कर आइए पति बच्चों को दे दे। वो गया अपने पति बच्चे के पास, अरे वो जो ऋषि है ना बस अपने घर से बहुत डर गया है, वो कह रहा है कि उसके पास बहुत धन पड़ा हुआ है, वो धन देगा वो अलग धन मैं दे दूंगा, लेकिन शर्त ये रखा है कि वो मैं उसी के साथ जाऊँ, उसके साथ आने पर धन देने की बात कह रहा है। तो पति बच्चों ने फिर से रास्ता कहा जा वो घर गया ना जाए उसके साथ जाकर झंडा का माल कहीं ले ले। वाल्मीकि आए वाल्मीकि के पास आए, उन्होंने कहा चलो हम जाए झंडा लाने के, आपके कहा है झंडा लाने का? वाल्मीकि ने इस प्रकार रखी मैं तेरे धन की दी है इतना बेहसा धन देता हूँ लेकिन तुझे एक काम करना होगा, तू एक साल तक मेरे पास रहना होगा, तेरे पीढ़ियों के 10 साल जीने के लिए धन देता हूँ लेकिन तू एक साल बेहसा रहना होगा, एक साल हाँ एक साल बेहसा रहना, तुझे 10 साल जीने का धन देना मेरे पति करती हूँ। वो कह रहे थे बोला क्या बात है कि वो कह रहा है मैं अगर उसके साथ एक साल रहूं तो कहता है वो 10 साल तक तुम्हें जीने जीने के लिए धन देगा, अरे आपने तो जल्दी आप बात कर ये चला कर रहेगा आप धंधे ले हमारे धंधे लगे फिर आए और भी बोले वो ये तैयार तो हम एक साल में लेंगे तैयार तो 10 साल का धन लगा के दे। तो उन्होंने कहा एक बार और कर अगर मैं तुझे 2 साल मेरे पास रख लूँ और 20 साल मेरे धंधे ले तो चला लेगा यार 2 साल है ना तू कुछ तो कुछ तो क्या कहेंगे फिर क्या बात भी बोले वो 1 साल लेके 10 साल रहेगा धन देगा 2 साल लेके 20 साल का धन दे तो रहता है। तो ये पति ने कहा कि बार बार आपका तो ये 3-4 साल रहेगा और फिर 50 साल का धन देगा ये बार भी। वाल्मीकि के बाद वाल्मीकि की बात तो आ गया अरे यार तू क्या आश्चर्य लिया मेरे पति पत्नी को वो तो 2 साल की बात कर रहा है तो लेके 4-5 साल की बोल के लेगा है 50 साल का धन दे। वाल्मीकि ने कहा उसको
लोग बच्चे में बदल देगा। ये है कि एक गुरु की राय देगा क्या पड़ेगा क्या, एक बार धन लेंगे तो बाद में ज्ञान बढ़ेगा, आपके घर में रहेगा फिर तो धन आएगा, ये भी कह रहा। तो ये बात ऐसी आके उन्होंने बोली तो ये पल्ली क्या है बोले उसे मान के तैयार है जीवन में मास का प्रमोशन उनका उनको धन देने के तैयार। तो पल्ली ने प्रश्न पूछा अरे ऐसे पति पत्नी जो तुझे मेरे साथ छोड़कर खुद जीना चाहते हैं, तू आज तक लूटा और उनको दिया तो तेरे उस पत्नी के लिए तैयार है धन के लिए, तो उसी के लिए धन कमा रहा। पल्ली चेहरा लिया कि सच क्या कि मेरे तू मेरे साथ इस तरह से सजने से कमोटी वाले के साथ जो लाया ना तेरे लिए खाना खाता नहीं तूने इसके साथ पत्नी के तैयार है धन के लिए भी मेरे पत्नी पत्नी ये जैसे पत्नी जो आज तक मैं लूट का सब लामा सामान आ गया इसकी दिन बाल का पूछा तो ये भी बात तेरे से नहीं कराया तेरे को रहेगा हम हमारे धन के लिए तो रहे तो अच्छा ऐसा नहीं करे तू चलेगा और धन ला के ऐसा के वाली की एक मिनट में नारायण जी चक्कर में आए कुछ खाना नहीं पीना कि तुझे मैं तुझे धन दे दूँ तुमको छोड़ने के लिए तैयार है क्या? तेरे पति बच्चे को हम तुझे धन दे तुमको धन दे से तेरे के लिए छोड़ने के लिए तैयार है। ऐसे पति बच्चे से तेरे को प्यार करता है मैं और भी बहुत अच्छी बीवी और बहुत अच्छे बच्चे देता हूँ जिसके पास बहुत धन है तुमको छोड़ने के लिए तैयार है क्या? वाली को जमा आए ये सारे मेरे को धन के लिए छोड़ने के लिए तैयार है ये आइडिया बहुत अच्छा है। अगर मैं पति ले लूँ और उसके साथ धन के साथ रहने की मैं पढ़ने जाने के लिए करेगा ये तो इसके पत्नी से भी बहुत अच्छी पत्नी बहुत बड़ा राज है जहाँ सारी सारी चीजें जो है तेरे पति के बच्चे छोड़ दे क्या है ये मेरे पति बच्चों को धन्य को छोड़ दूं और वो धन्य धन्य है पर भविष्य होने के लिए है ऐसे पति बच्चों नहीं चाह रहा हूँ या मैं धन्य के भविष्य हो और ये कुछ छोड़ दूं बोला अरे ये मेरे पति मैंने ये जीवन तक तू बांध रखा है और फिर मैं बांधू ना नहीं तू बड़ा चक्कर वाला आदमी दिखता है यार तू यहाँ से चला जा सबसे अच्छा मैं कितना रहा है मेरे पति के पति के चक्कर में रहे तू यहाँ से चला जा बहुत अच्छा है वहाँ से जो रहे मैं तो चले जा रहा यार तुझे ले जाऊँगा बात कर रहा हूँ
कल भी नहीं आ गया। मुझे ऐसा लगा कि तीन चार दिन से तेरे बच्चे जो भूखे हैं ना, उसमें से एक बच्चा हमारे लगता है। मुझे धन चाहिए, धन लेकर आऊंगा, बच्चे से भूखे तो आगे क्या हुआ? तुम उसी तरह मुझे ले ले। तो और दो चार और एक किलोमीटर जाने के बाद अभी इतनी दूर है, बस यहाँ से 5 किलोमीटर है। अभी 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर मैं आऊंगा ही नहीं, तुझे वो भी लेकिन घर को एक वो भी
तब पाली माशी को मेरी सर एका ये के बच्चे जो है ना इतना मैं धन भी दे दूँ तो ज्यादा से ज्यादा ये बच्चा रस्ता लिएगा के भी रिश्ता लिएगी और उसको बच्चे की रिश्ता लिएगा उसके बाद के पुत्र की सब मारे हैं वाली ने कहा अरे यार भले ही इतना मैंने करोड़ रुपये का धन के लिए दिया है तो उसका क्या करे धन का क्या होगा बोले धन तो यही मिल जाए तो ऐसा कुछ ऐसी कोई प्रक्रिया है क्या कि हम जिंदा रहे इसको घोष रहे है कुछ कब उसका पाप जो है अगर ये लोग अगर उस पाप की एक भर के आ रहे हैं ये पाप के लिए तैयार है तो ये मैं आगे बढ़ा सकता हूँ मुझे उस पाप से क्या हुआ ये दस दिन जीने वाले तीन में हो जाएंगे तेरे पाप को लेकर वो नहीं तो लगा वाली को लगा कहा मैं ये की बात करी इन चीज की बात बोले स्क्रीन पर पूछ के धंधे के लिए तैयार है चीज में बहुत अच्छी तरह भोग लेंगे उनको पूछ गए और वाल्मीकि ने मुझसे कहा कि वो जो बंदे वाला है वो एक बात है फिर दूसरा लोग थोड़े दिन दूसरा लोग बच जाएंगे इस धन धन ऐसा जमा जाए एक बच्चा बीमार है तुझे भी बीमारी है तू भी रिटायर हो गई है तू भी सूख गई है तो कह रहा है वो बचा सकता है वो बचा सकता है या तो सारे पाप मैं ले लूं सारे पाप मैं ले लूं अगर आप लूटने का सबको मार कर लूटने का पाप अगर नहीं ले गया तो इसी क्षण मरने का मरना हो आप ये किया आज करके धन को भोग सकेंगे नहीं तो अगर आप मेरे पाप को आज ले लेते हैं तो आज दिन आप ये क्या लेने में इच्छित होगा वो हमें क्या करना है तो कभी वो प्रचार की वो बड़ी के लिए आए भय की थी तो आज ये जिएगा क्या मरेगा क्या हमें भी जाए हम तेरा पाप लेने वाले हैं बच्चों ने कहा मेरा पाप लेने से बहुत बुरा हो गया तो हमारे सबसे बहुत बुरा हो गया है तू मरेगा तो भी घर पर जाना है हम अभी जवान है हम ये पूरा भोगेंगे तू सारा पाप ले तुझे पाप ले तुझे बैठा है हम भी पाप ले वाल्मीकि नारायणी पाप ले और अपने आप से रोते रहने लगे जिनके लिए मैं आज तक इतना कष्ट करके लोगों के सब को सब कुछ दिया है लोगों ने मेरी बात पूछा कि मेरे पाप तुझ ले लो तुम्हारा पाप ले तो मैं लेता हूँ तो कहते हैं कि मेरा पाप हम तुझे किया है हमने तुझे नहीं कहा मैं हमारे लिए लूट कर बदले ले गया है मुझे बहुत मैं आज तक सभी को लूट कर कुछ ले लिया तुमने मुझे लूटा है मैं भी आ गया हूँ मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए मैं तेरे साथ आता हूँ मैं जो नहीं ये सब लोग भी छोड़ने वाले नहीं थे इन लोगों के आज पहले छोड़ने की बात कही है और ये धन भी उठाने वाला नहीं मैं कैसा कर तुझे छोड़ दूंगा मैं मरी जाऊंगा आपके मिले पापों के कारण उस मरने से भी जीना अच्छा है मैं तेरे साथ आने के लिए तैयार हूँ तो राज ने कहा आप मरे तेरे मेरे साथ लेने के लिए तैयार नहीं अरे तो हमें मार डालेगा ये गुरु का कर्तव्य है जब तक तुम उसके साथ प्रेम करते रहो वो तुझे बोले जब तक तुझे प्रेम करते रहेगा ना बहुत अच्छी तरह प्रेम करेगा अब जिस दिन तुम प्रेम करने लगे वो दूर भागेगा क्योंकि तुम्हें प्रेम का एहसास दिलाएगा विरह का एहसास दिलाएगा न्याय का एहसास दिलाएगा प्रेम इस तरह मैं किस तरह तुझे इस तरह प्रेम किया हूँ और जब तुम प्रेम करने लगे तो दूर दूर भाग रहेगा तुम्हें नहीं मिलेगा और तुम जब विरह लेना अनुभव करेगा वो आनंद अनुभव करेगा क्योंकि तुमने उसे चाहा है तुमने उसके प्रेम को जितनी बार में प्रेम से बुला रहा है नहीं आया लेकिन जब वो तुम प्रेम करने लगे तो वो भी निकलता है वो कहता है मैं तुम्हारे भागता हूँ मैं नहीं मिलता और तुम बार बार चले जाते हो उसके साथ मिलना करते हो और वो अगले दिन तुम्हें तुम्हें भी देता है और लाल जी को यही सवाल करती है कि आप मेरे से दूर रहता हूँ तो तेरी जिंदगी का निर्णय कर ले धन वहाँ पढ़ा के तेरे की भी कुछ वहाँ पढ़ाई और अपनी वहाँ पढ़ा रो रो कर लेकर
कल्पना
कि मैं जब तक इसमें पात्र नहीं बनता, मैं इस वाल्मीकि रामायण के पास रहूंगा तब मैं कहूंगा कि मैंने जो कल्पना की थी आदमी जो विजय की विजय कष्ट है। और उन्होंने आगे की दृष्टि को देखना चाहा, नारद को पूछा, मैं आगे भी इस वाल्मीकि रामायण की यही कथा कर दूं तो मुझे विश्वास नहीं होगा, मेरा रामायण लिखा होगा आगे के पिता ही होने वाला है, मुझे विश्वास हो जाए कि मैं ये रामायण को अच्छे तरह से लिखा हूं। तो नारद ने उनको जिस कल्पना के रामायण को वाल्मीकि ने लिखा उस वाल्मीकि की उस सच्चाई को उस कल्पना को सच्चाई रूप में देखने के लिए उन्होंने सीता को अपने आश्रम में बुला लिया, राम लक्ष्मण और सीता को और उनके लवकुश को उनके अपने आश्रम में भेज दिया, लवकुश को और सीता को अपने आश्रम में बुलाया और कहा कि वो जो प्रभु नारायण जी ने जो दीक्षा की नारायण की वो दीक्षा से ब्रह्मांड की सारी चीजों को ले सकते हैं, जिसकी आयु बड़ी हो वो आयु के उस आयु के साथ सारी चीजों को ले सकता है। सीधा वाली की आश्रम में आई और उसने लवकुश को जन्म लिया, वाली की तरह आपको मालूम है, इस प्रकार वाली की उस रामायण के पात्र बने। मैं इस सारी चीजों की सारी चीजों के पीछे एक कथा है, मनुष्य का जीवन जीवन अल्प है, अगर उसी समय नारद जी वाली को छोड़ देते या वाली नारद जी को छोड़ देते तो रामायण की कथा या लाश हमारे इसलिए एक ही होने की रामायण अगर जीवित है लिखा गया था लिखा गया था नहीं गया था यह मैं बता रहा हूँ। तो ये योग के गुरु जब हम शिष्य में मिलता है तो उसे ऐसे पढ़ता है कि उसके जीवन में एक विविधता आ जाता है, वो गुरु कह जाता है। गुरु की हर दम हर क्षण की प्रक्रिया है कि अपने शिष्य को किस तरह बनाया जाए, किस तरह एक आदमी के अंत से एक माँ के देव बनाया जाए, किस तरह बनाया जाए, गुरु सोचते रहता है। जिस प्रकार वाल्मीकि सुनाई थी उस नारद की प्रत्यक्ष के लिए उठान करते
और वाल्मीकि सुमित ने विद्या दिया है, तो जब गए तो एक क्षण का उनको उत्तर होगी। लोगों से कहा हम वहां जाएंगे तो अगर उनको पता चल जाए कि वहां सीता जी को निंदा लेकर भगा दिया गया है, उसको निंदा लेकर गिर दिया गया है, मारने के लिए जेल में छोड़ दिया गया है, वह जिंदा है और उसके हम बचे हैं, तो राम से हमें भी मारेंगे क्या, लक्ष्मण हमें भी मारेंगे क्या, हम और आगे जाएंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी। आप मेरे शिष्य हो और हमारा सीता के पुत्र हो, मैं तुम्हें ऐसी शिक्षा दिलाऊंगी तुम्हें कोई शस्त्र नहीं मार सकता, क्योंकि तुम्हें आगे का कार्य करना है, रघुवंश को रखना है, रघुवंश को जलाना है, तुम मर नहीं सकते। तो उन्होंने कहा हम मर नहीं सकते, तो तुमने हमें इतनी विजय दी और झगड़ा हो गया, हम मार चला दिया राम और लक्ष्मण मर गए, तो रामायण सुनाए राम ने और दूसरा भी के पुत्र ने कहा कि हम वाल्मीकि आश्रम से आए और हम वैदेही के पुत्र है। राम को लगा वैदेही तो कौन, वैदेही तो स्त्री होगी तो आश्रम में रहने वाली। राम ने कहा आशीर्वाद देते हैं हम और ये बहुत अच्छा दान किया है, पूछे तुम्हें क्या चाहिए। लघुकुश ने उसका जवाब दे दिया कि तुम हमें कह सकते हो किसी के कहने पर पत्नी को छोड़ने वाले पति को जो अपने गुरु के गुरु को जो ज्ञान करेंगे, जो गुरु समझ करेंगे, जो गुरु के चरणों से संतान है, उनको दूसरे स्थान से निकाल कर जाए, इसका कट जाए, तो ये दुखेगा अपना तो मेरे गुरु के नाम लेने से। वह एक गुरु परंपरा है, वह एक गुरु की परंपरा है। और जब लोग उस यहाँ उनको ये सारी चीजें बताएगी तो वाल्मीकि के साथ इस खबर बैठे हुए तो उसके दिल में कभी एक बात खटक गई थी कि वो कभी वाल्मीकि ये नहीं बताया था कि वैसे ही राम पति सीता है और तुम राम के एक पुत्र हो, ये बात उन्होंने जब तक नहीं बताई क्योंकि जब उस इतने इतने स्टेट थे तो उसी को मार के दिया गया ये सब के लिए दिया। और लोग ने वाल्मीकि की मां से वाल्मीकि से पूछा कि मेरी मां की पति कौन है, हमारे पिता कौन है, और वाल्मीकि कभी भी इस बात को डाल देते थे मां सत्या को डाल देती थी इसको इनको बात नहीं बताना चाहिए। लेकिन रामायण जब उन्होंने रामायण इतिहास सुना था तो उन्होंने कहा लघु केला कि हमारी मां कितनी भी वैसी है जैसे राम के प्राण की पत्नी सीता की है, हाँ हमारे माँ को हमारे पिता ने छोड़ दिया है जैसा जानकी को राम ने छोड़ दिया होगा, और वो राम के प्रति दुश्मन करते लगे कि राम आए तो हमसे देख के किसी की हालत में। और वो कभी भी वाल्मीकि के साथ ये बात करते कि क्या वाल्मीकि महर्षि आप ऐसा नहीं करते कि राम ने गलती की है, माता सीता को विस्तार जंगल में भेज दिया है, क्योंकि वाल्मीकि को पता था वो उनकी उनकी पात्र बताने के लिए उस पात्र की बैठी थी सीता माता को देखने के लिए, रामचंद्र को देखने के लिए उन्होंने उनको क्या अभ्यास कर बताया था, फिर वो जाकर देख के उसको उन्होंने सीता माई और वाल्मीकि के लिए बात कही थी कि उनके लिए बात की बना और बारे में बताया आश्रम में लिया हुआ और आश्रम में जाकर घोड़ा जो लिखा तो उनको पता चला कि राम का घोड़ा आया है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कोई योद्धा जो इस घोड़े को पकड़े वो राम से हाथ युद्ध करे, एक व्यक्ति आश्रम में का घोड़ा है और उसको पकड़ने वाले राम जी को हराने वाले थे, ये बिना वाली तो सीधा वो पूरे घोड़े को पकड़े लेते हैं लोग क्योंकि वो
रामसे दुश्मनी करनी थी, जो अपने पति को निष्कारण जंगल में भेजता है, इसलिए हम इसके साथ युद्ध कराए। लोकुश ने यज्ञ को बड़ा पड़ा और बाकी कथा को उठा है, पलंग लिया है और रामसे से लक्ष्मण से युद्ध हुआ, उनको मुक्त आ गई और हनुमान भी आए और उनको पता चला कि साक्षात हनुमान है, राम जी के और ये गुरु के पास है, उनको पता चला कि राम जी पिता है, तो युद्ध के लिए लौटे और सीता ने कहा कि तुम्हारे पुत्र मुझे दे दिए और मैं यहाँ पे चले जाना चाहती हूँ। भाग के लिए सीता जी जाने के लिए लघु से राम जी के सौ पर सीता ने जा रही थी, तो लघु भाग के लिए के पास गए और कहा कि मनीष आपने तो कहा था कि आपका समय विरोध में हम मरते नहीं, क्यों सीता में चले जाएंगे उस लघु को। वाल्मीकि कहते हैं कि सीता में मरने के लिए खुद की माँ के पास जा रही, जमीन है, जमीन की माँ है और उसके पास जा रही है बेटा, वो मर नहीं गई, तो कहते कि हम हमारे माँ को चित्र ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा जो धीरे जी हाँ वाल्मीकि महर्षि ने मेरी प्रदान की थी वो उसकी मैं तो मैं प्रदान नहीं कर सकता, सिर्फ धार्मिक प्रदान कर सकते हैं और आपके रामकृष्ण जी प्रदान कर सकते हैं। इस शरीर जब तक है शरीर से अपने ऐसी बात करते लोग करने के शरीर को बहुत दिन तो जी कर रखना चाहिए, जो शरीर पास करता है उसे छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने कहा वाल्मीकि आप इसके गुरु हो तो हम निष्पाप होकर हम इस लोग करते हुए हजारों साल जिए, इसके लिए कौन सी प्रक्रिया है। तो उन्होंने कहा कि यही प्रक्रिया जिसको मैंने नारदी सीखी थी और जीवन रहा और भगवान ने दर्शन किया, यह हमारा आगे देखकर किस काम आएगा।
ये बात रामसिंह प्रमोद विवेकानंद को सुना दे, रामसिंह प्रमोद कैंसर हो गया और विवेकानंद के पास आए तो विवेकानंद कहने लगे कि महाकाली से देखो तो बात कर लो, महाकाली जो सब कुछ देने के लिए तैयार है, क्यों तुम्हारी महाकाली से नहीं पूछी कि तुम्हारा कैंसर कम हो जाए पर तुम आयु प्राप्त करो और बहुत बड़ा काम करो। इस संसार में सारी आयु की शक्ति को सारे संसार को बुला दो। तो रामसिंह प्रमोद हंस दिए और बोले क्यों मेरी आयु बढ़ाना चाहता है, मैं अगर ये आयु बढ़ाऊंगा तो फिर मुझे जन्म लेना होगा, मैं इस कैंसर को कम करूंगा तो फिर मुझे जन्म लेना होगा, मुझे जाने के ना बताने के लिए होना चाहता हूँ। कहीं भी तो तू ही होना चाहते हो लेकिन ये माँ काली शक्ति कौन बताएगा, कौन इसके लिए रहेगा? तो राम से भगवान से कहा किसके लिए मैंने तुझे तैयार किया है, मैंने तुझे इसके लिए तैयार किया है, मैं तेरे जीवन तुझे नहीं था, तेरा जीवन तुझे 32 साल का था, 30 साल का 30 साल की उम्र है तेरी, मैं ये उम्र तुझे दे रहा हूँ ताकि आगे बता दे तू कर सके, मैं महाकाली के लिए होकर तुझे दे देता हूँ, इसलिए मैं मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए देते हुए तुझे जीवन रखकर तुझे वो कार्य करके दे रहा हूँ ताकि तू इस महाकाली को फैला सके। ये गुरु की प्रक्रिया होती है, गुरु अपने जीवन शिष्य को देख शिष्य के हाथों से वो कार्य करवाते हैं, करवाते हैं जो कार्य वो अलग से लेके आते हैं, मेरे संसार में हमारा प्यार था, हमारा उनका ज्ञान था, ये तुम सारे संसार में पैदा हो इसलिए मैंने मेरी अलग ले लिया। लेकिन इससे पहले कि ना जब शंकराचार्य जी को ये बताया गया कि वो जन्म पैदा हुए तीन वर्ष में उन्होंने वेदों का अध्ययन किया था और 5 वर्ष की आयु में उनका मौन ज्ञान हो गया था, उपनयन संस्कार हो गया था और 8 वर्ष की आयु में उनके उन्हें बताया गया कि मर जाए वाले उनकी 8 वर्ष की आयु में शंकराचार्य जी काशी में जब गए तो उन्हें एक श्रेष्ठ आचार्य उनके साथ तर्क करने के लिए काशी में एक ब्राह्मण आया और उनके इन दोनों को तर्क कम से कम कहते कि 20 दिन चला, जिस तर्क को कोई कितनी बार तर्क में एक को एक हरा नहीं रहे और एक तर्क चल रहा था तो इन दोनों के बीच पद्मपाल आचार्य थे, उन्होंने देखा कि मेरे गुरु आदि शंकराचार्य श्रेष्ठ शंकर के अवतार है जो इस ब्राह्मण से हार नहीं रही, उन्होंने सभी को हरा दिया, आज इस ब्राह्मण से हरा नहीं, ये ब्राह्मण है कौन? तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मण साक्षात व्यास वंशी थे जो नारायण के अवतार कहलाए थे, ये जब शंकर के अवतार हैं तो व्यास जी भगवान नारायण के अवतार हैं और उन दोनों में चर्चा चल रही थी। तो पद्मपालाचार्य ने उन दोनों को नमस्कार करके कहा अगर ये विद्वत्ता या आचार्य विचार ऐसा ही चलता रहा तो हजारों दिन चलेगा, इसको खत्म क्यों नहीं कर देते। तो तब पद्मपालाचार्य जी को देखकर जब उन्होंने अपनी दृष्टि खोली, आखिरी अपनी दिव्य दृष्टि खोली और देखा और व्यास नारायण के भगवान चरण में नमस्कार किया, अपने गुरु को नमस्कार किया और कहा कि इस वाल को यहीं, इस तर्क को यहीं मिटा दो। और शंकराचार्य ने भी देखा कि जो आए हुए हैं वे साक्षात नारायण स्वरूप व्यास जी हैं, तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ हम ये चर्चा को खत्म करते हैं। तो व्यास नारायण जी संतुष्ट होकर कहते हैं कि शंकर तेरी आयु 16 साल की थी लेकिन तूने जो तर्क वितर्क किया, जो पुराणों के माध्यम से मैं इस संसार में सनातन धर्म की स्थापना करना चाह रहा था, उस सनातन धर्म की आगे की स्थापना करने के लिए मैं मेरी ओर से संकल्प करता हूँ तुझे और भी 16 साल तुझे आयु प्रदान करता हूँ। और शंकराचार्य की आयु व्यास नारायण जी ने 16 साल की दी और 32 साल की दी। मेरा कहने का उन अल्प आयु को लेकर वो स्वयं उस आयु को जी नहीं सके तो हम कहाँ तक पहुंचने की काबिल है, हम 33 साल ना सब करते हैं। तो जब तक हमारी आयु प्राप्त नहीं होती, हमारे गुरु हमारी आयु या हमारे चिरकाल जीने की शक्ति, हम संपत्तिवान हो, हम सामर्थ्यवान हो,
हम अच्छी तरह हिमालय को पार कर सके, हम सिद्धाश्रम तक पहुंच सके और सिद्धाश्रम में जाकर हम भी हजारों साल जी सकर हम इस लोक कल्याण के लिए हमारे गुरु को मार्ग हमारे गुरु के मार्ग लेकर इस संसार में सिद्धाश्रम से लौट आकर उनकी उनकी दया धर्म के पीछे। मैंने ये साहब को कहा कि वह गुरु चाहिए जिससे दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाला पद्माचार्य को पता चला कि काशी में व्यास नारायण जी है, तभी तो उन्होंने उस विवाद को वहीं रोका और उनकी नारायण व्यास नारायण जी की आयु शंकराचार्य को प्राप्त है। जब तक चलिए क्या जाना है जब वो प्रसिद्ध साथ ना दे तो आप वहां तो बनाएंगे बनाए दूरी बहुत बुरा हो गया, लेकिन आपने ये सारी शक्तियां पाया तो वो आपका आप सभी को रोक सके, आप सभी चीजों को रोक सके और आप सिद्धार्थ पहुंच सके जो गुरु जी का दिए था उनकी काटे था। इसके लिए जिस दृढ़ विधान को उनको खाया गया था उनके जीवन में वो बुढ़े होते भी नहीं मरे। ये भी बात अगर कभी गुरु जी कहते हुए तो गुरु जी को मैं एक बार की बात कहते हुए आश्चर्य भी कह कर लिया कि गुरु जी ने कहा था राम जी परमहंस भूल ही नहीं वो परमहंस है।
हर क्षण उनको ये समझते रहे कि वे पैसे दे रहे हैं, उन्होंने दीक्षा की, उनको दान करने से मिलना होगा, अपमान किया उनको दान किया, वे सहते रहे मंत्र विज्ञान से पत्रकार सहते रहे। लेकिन उन्होंने एक शिष्यों को जन्म दिया और उनके ग्रंथों के भाषाओं पर चले गए कि मैं उन शिष्यों की सारी जलावरण की स्थितियां, उनकी मृत्यु, उनकी आयु को मृत्यु, उनकी आयु सारी बदल लेता हूँ, मैं इस शरीर को छोड़कर जाता हूँ, लेकिन उनको सशक्त करता हूँ कि वो मुझसे दर्शन लेके आप सब लोग पहुंच जाए। और उस स्थिति को हम बार-बार वर्णन करते रहे, आश्रम के निष्ठान भी वर्णन करते रहे, हम भी हमारे दूसरे कोशिश करें, उन्होंने तो उनकी आयु भी दी है, लेकिन हम हमारे शरीर को भी उनकी विद्याओं के साथ उन ग्रहण करें, उस विद्याओं को हम भी समर्पण करें। हम कहें कि प्रभु आपकी ये विद्या करेंगे, हम उसकी विद्या करेंगे, हम आपकी बात होंगे, हम आपको प्रति लेंगे, हम जरूर पास पहुंचेंगे और वहां आपको आवाज देंगे, आप हमें यहाँ पर ले जाए, हमें आप हमें यहाँ पर हमें सिद्धासन ले चले जाना, प्रभु हम आपकी आ रहे हैं, हम सशक्त होकर आ गए। मैं आज इस महेश्वर स्फूर्ति लहर की महेश्वर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु स्थिति उस पार ज्ञान को, उस पार के विज्ञान को, उस दृष्टि के विज्ञान को जो गुरु कुछ भी कहने पर नहीं लेता, आपको सशक्त करने के लिए आपने वादा किया है, जब मेरे गुरु ने वादा किया है, आपको सिद्धांत लेने का वादा किया है, तो आपको सशक्त करके मैं सिद्धांत लेने आ रहा हूँ। तो आप सभी को इसी दृष्टि के विज्ञान को आप शरीर को आयत करके అటే ఉంటాయి పోతే Oh,
इस पुस्तक का उन्होंने प्रकाशन किया है और इसमें छोटी छोटी साधनाएं जो अपने घर बैठकर कर सकते हैं और अपनी छोटी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं और हम गुरुचरण में पहुंच सकते हैं। इसके लिए कहीं आश्रय लेकर गुरु को सताना, गुरु के पास जाना न होते हुए घर में ही कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कार्य किया है। इसलिए उनकी कार्य की सराहना करते हुए आपके घर में आपकी छोटी छोटी समस्याओं का निराकरण आप घर बैठे कर सकते हैं। पुस्तक का नाम दूसरा नए हैं ये आपके समक्ष प्रस्तुत है। और ये आज सब आप उन्हीं की उत्पत्ति है, हम भी उसी ऋषि के संतान है जिन ऋषियों ने इस संसार को इतना महान बनाया और इतना महान बनाया। मैंने आपको भी कहा कि गुरु प्रभु स्वामी एक विलक्षण व्यक्तित्व था, हमने बहुत सारे गुरुओं को देखा है, किसने गुरु की स्थापना की, किसने ध्यान लगाया, किसने समाधि लगाई, किसने समस्याओं का निराकरण किया, लेकिन ये एजुकेशन के स्रोत है जो हमारे प्राचीन विद्या जहां तक आज का विज्ञान नहीं पहुंचा, उस विज्ञान को हम भुलाते चले गए, उस विज्ञान को पुनः जीवित कर चेतना और बनाकर मनुष्य को देवता और देवता से ऋषि परंपरा में जाने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को गुरु परंपरा को जागरूक करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया और उनका कार्य संस्था जुड़ा हुआ है। उन्होंने संस्था की स्थापना की और उस संस्था में ऐसे ऐसे विद्वानों शिष्यों को उत्तर दिया जो उनका कार्य सुचारू रूप से चला रहे हैं। आप सब लोग एक शिष्य हैं शिष्य को कहा भेजा उसको अनुभव दे रहा हूँ, अनुभवी हो जिसके पास क्या पाया अपनी समस्या है, लेकिन लोगों को जागृत करने की, लोगों को चेतना देने की देवत्व की प्रक्रिया है और देवत्व का निर्माण करने की प्रक्रिया ऋषि की है जो हमारे जिन्होंने देवताओं का निर्माण किया है। जो कल्याण के लिए गुरु कार्य करते हैं, मेरे सामने आप बैठे हो, आप नहीं जानते, मैंने आपको ऊर्जा आपको दी है तो आप मेरे लिए देवता है, आपका देवता का कार्य करेंगे जरूर, आप इस समाज को जागरूक करेंगे, चेतना करेंगे कि मैंने चेतना तुम्हें दी है और हम देवता देने वाले को कहते हैं जो अपना सब कुछ देने के लिए सामर्थ्य जिसके पास कुछ हो तो ये दे सकता है और आपको देने की क्षमता है, इसके लिए साधना का मार्ग होता है। ध्यान धारणा समाधि वो है आप शांति घर में अनुभव करें, शांति केवल अनुभव कर सकते हैं जब आप सारी समस्याओं से छूटे और समस्याओं से छूटने के लिए साधनाएं हैं, लेकिन जीवन पर समस्याएं लगी हुई है, समस्याएं लगी हुई है तो साधना के मार्ग से समस्या को छूटते हुए आप कल्याण का काम करें, आप देवता बने और देवता से ऋषि तत्व को प्राप्त करें और ऋषि तत्व जब ऋषि होते हैं तो हम देवता को उत्पन्न कर सकते हैं, देवता ऋषियों से उत्पन्न हुए, चाहे भगवान सूर्य हो, कश्यप क्रांति के पुत्र आदित्य से पुत्र हुए आदित्य है, चंद्र है तो भगवान अत्रि महर्षि के पुत्र है, लक्ष्मी है भृगु महर्षि की पुत्री है, ऐसे राम हो तो दशरथ महर्षि के पुत्र है, जनक जानकी है तो जनक महर्षि की पुत्री है, जनक नारायण की राजर्षि है, तो इन ऋषियों में देवताओं को उत्पन्न करने की शक्ति होती है और हमें ऋषियों की परंपरा ऋषियों का तत्व गुरु जी ने बोध किया है और इसी परंपरा में मैंने आज आपको कल कहा कि मैंने पहले दिन प्रवेश गुरु की साधना की जो प्रमुख साधना है जिस साधना में हम हमारे साथ 10 लोगों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। मैंने कल साधना है कि आप समस्या से छूट कर आप एक विशिष्ट जीवन व्यतीत करें, आपके पास धन इतना हो आप पहले सारे लोगों से मुक्त हो जाए, आप चारों को देख सके, आपके साथ दे सके, ये साधना मैंने कल आपको प्रदान की
आज वो सारा प्रणाम जब महेश्वर की साधना में लगे जो लय अपनी स्थिति को जानता है। हमारा लय ऐसा ना हो कि हम एक पेड़ एक पशु में जाकर हमारा लय ना हो। हम मर जाते हैं तो हमारी आत्मा अगर कोई गुरु ना हो निगुरा हो जिसको गुरु नहीं होता उसकी आत्मा जाकर किसी पशु में किसी कीड़े में जन्म लेती है और जिसको गुरु हो उसकी आत्मा जब मर जाती है सीधा अपने गुरु के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और गुरु उस आत्मा को प्रश्न करता है कि तेरी क्या इच्छा है। अगर वो इच्छा व्यक्त करे तो कहता है गुरु जी मेरे बच्चे को मेरी शादी नहीं हुई वो मैंने उनको ऐसे ही छोड़ के आया हूँ और या मैं मेरे को ये धन कमाने की इच्छा की मेरी व्यक्ति आई पड़ी हुई है तो गुरु जी सर हमारा हो गए यहाँ पे फिर जन्म ले फिर और हम पूरे जन्म में फिर आया। लेकिन जो भी शिष्य को होता है जब वो सारे शिष्य से सारे समस्या से छूट कर गुरु के सामने आकर खड़े होता है तो गुरु से पूछता है गुरु जी मैं आ गया गुरु जी पूछने की इच्छा क्या है। अब मेरी इच्छा कुछ नहीं है ये आत्मा है और परमात्मा है मेरे मैं आपके लिए होना चाहता हूँ। यह श्रेष्ठ आत्मा का आत्मा को आत्मा की पुकार होती है और इस आत्मा की पुकारने के लिए मनुष्य को या पशु को या और किसी को जिस स्तर से गुजरना पड़ता है जिस जीवन से गुजरना पड़ता है उसे साधना और जीवन कहा गया है और गुरु उस जीवन को उस मार्ग को हर बार हर क्षण हर पल उसको साथ देते हुए आगे बढ़ाते रहता है और उसी क्रम में इतनी दिन में हमने प्रवेश की साधना संपन्न की कल हमने रूप की धनारूप की साधना संपन्न की यह स्थिति स्थिति हुआ आज लय की साधना है। हमारा लय अच्छा हो हम सिद्धार्थ में पहुंचे और स्वामी केशवानंद जी में मिल जाए इसके लिए हमारा शरीर सुदृढ़ हो इसलिए हमारा शरीर हमारा आयतन हो हम किसी रोग से पीड़ित ना हो हम जाने से पहले ही मर ना जाए हमारा शरीर का पहले डेढ़ दो से पहले ही मिल गया आने जहाँ मरे तो फिर क्या फायदा फिर नहीं जन्म लेंगे फिर आगे नहीं होगा फिर आपको गुरु मिलेंगे फिर आप सिद्धार्थ पहुंचेंगे तो बहुत बड़ी प्रक्रिया है इसके लिए पहले हमें सुदृढ़ना है हमें जल्दी सुदृढ़ना है। इसीलिए मैंने आज आपको वो कहा है कि हमारे मिशन के लिए इसलिए कहा है कि आप निशक्त अशक्त और रोगी जरावरण से युक्त ना हो आप खुद एक ऐसे संपूर्ण पुरुष हो कि आप कहीं हिमालय में किसी गुफा में घुसने के लिए तैयार हो किसी समुद्र में घुसने के लिए तैयार हो कहीं आप ऐसे चंद्रमा में ऐसे आकाश मार्ग पर सलाम करने के लिए तैयार हो या दृढ़ता हो आप क्योंकि मरण का मृत्यु न मृत्यु का भय ना हो। और यह उसी व्यक्ति को होता है जो व्याकरण करता है जिसको कृष्ण जी की विद्या का ज्ञान होता है यही विद्या मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने मनुष्य गलती से लेकर और वो व्यक्ति जो कार्य करने का तो बहुत उसमें बहुत अच्छा करने का बहुत ही जा रहे हैं लेकिन उसके आगे नहीं है वो रोग से पीड़ित है वो क्या कार्य कर सकेगा। बहुत मेरी इच्छा है मेरे लोग कल्याण करूं मैं बहुत लोगों का कल्याण करूं मैंने किसी रोग से बीमार करके से कल्याण कर पड़ा हो मैं किसी प्रकार कल्याण कर सकता हूं। मैंने विचारों से बड़ी फैक्ट्री लगाई है बहुत बड़ा धंधा लगाया और मैं बीच में बन रहा हूं वो फैक्ट्री वो संस्था अब इसकी रही है मेरे विचार वैसे ही रहे क्या फायदा हुआ मैं इसका लगाने का इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है मैं पूर्ण आयु प्राप्त हूँ मेरे विचारों को मेरे लक्ष्य को मैं पूर्ण तरीके से कर सकूँ मेरे लक्ष्य की प्राप्ति कर सकूँ तब मैं संसार को छोड़ू। इसीलिए हमारे धर्म में चार प्रकार के ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास हमारे पूर्ण काम होने के बाद उस धर्म में हम वानप्रस्थ जाते हैं। वानप्रस्थ में हम ये प्रयत्न करते हैं कि हमारे को इस शरीर का हमारे हिंदू मानव का हमारे पुत्र पुत्रों का मोह छूट जाए वानप्रस्थ इसलिए होता है और वानप्रस्थ के बाद संन्यास होता है जिससे शरीर का मोह भी छूट जाता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे पास ऐसे सन्यासी हैं जो घर को ऋण कर्जे और पति पत्नियों के घर से भाग कर सन्यासी हुए हैं उसे आज भी वो आशा नहीं मिली कि वो कहीं ना कहीं मठ का आश्रम का भी नहीं बने उस मठ को आगे तक किस तरह हमारे आप महंत को देख सकते हैं वो कैसे सन्यासी सन्यास का अर्थ बदल दिया गया है। सन्यास का अर्थ होता है सत्य का न्यास करना शरीर में और सत्य का न्यास तभी होता है जब तुम सारे मोह से छूट जाते हो।
सत्य के अंदर भी तुम बोल सकते हो, तुम जब अपने मरण का भय मृत्यु का बचाव हो। इसके लिए हमें मुख्य विद्या को सीखना है, इसके हमें बाल का सेवन करना है, इसके हमारे विचार को दृढ़ता के साथ कहेंगे, इसके हमें उस विद्या को ग्रहण करना है। बहुत बहुत विचार करता हूँ कि जिस समय हिरण्यकश्यपु तपस्या के लिए चले गए, जब हिरण्यकश्यपु को मार दिया गया एक बार, तो जिससे मैं देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकूं, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकूं। शुक्राचार्य ने मुझे तपस्या बता दी और उस तपस्या को लेकर हिरण्यकश्यपु आ गए, तपस्या लेकिन वहां बैठे देवताओं ने कहा, इंद्र तू हिरण्यकश्यपु को कुछ भी नाम नहीं मार सकता, उसका बदला नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी पति लीला जो है वो पति करता है, तो तू जब तक वो पति करता है उसको मार नहीं सकता, उसका पति कर धर्म उसी तरह रहेगा। तो इंद्र को लगा क्यों ना लीला को उठा कर आए, उठा कर ले कराया जाए, उसका पति कर खत्म कर दिया जाए। और इंद्र लीला को उठा कर आकाश पास ले आया था, उसको बैराग की उसी पत्र का अनुभव दे तब लीला की अनुभूति की। लेकिन जब जाते समय रास्ते में नारद भी है और नारद ने इंद्र से कहा, हे इंद्र तू क्या कर रहा है, तो उसने नारद से कहा, लीला को बिगाड़ नहीं सकता। उसने कहा कि मैं उसके घर को फुटे हुए कर दूंगा घर के अंदर ही। और नारद ने कहा ये तेरे बस की बात नहीं, और हिरण्यकश्यपु को पता चला तो अगले हजार लाखों वर्षों तक देवता देवता का पालन पोषण नहीं होगा, तुझे जो करना है तेरे आकार की नहीं करूंगा, तो इंद्र तू जा, मैं जानता हूँ, मैं भी घृणा पात्र नाश हूँ, देवताओं की रक्षा किसी तरह का मैं भी जानता हूँ, तू इस लीला को छोड़ दे, मैं इसे लेकर मेरे पास तेरे साथ चला जाऊंगा। इंद्र इसको मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इंद्र ने नारद को मानना पड़ा। नारद को इसलिए मानना पड़ा कि अगर तू लीला के गर्भ को ध्वंस करता है तो विष्णु भक्त होने के कारण तेरा सर्वनाश हो जाएगा। और इंद्र इस डर से वहां से चला गया और लीला को नारद लेकर अपने आश्रम में आए। और जिस लीला को उन्होंने अपने आश्रम में जिस नारायण भक्ति से उस गर्भ का उत्थान चीरना प्रदान किया, उस गर्भ को प्रदान करते हुए लीला को यह डर था, लीला की डर की माने गांधी से कह रही कि आप ही तो देवशी ही हैं नारद, आपको से हमारे पुत्र का उद्धार करेंगे, आपको मेरे साथ आपको आप मेरे को आपसे आने जा रहे हैं, मुझे आप पर विश्वास कैसे हो सकता है, आप तो दलितों का नाश करने वाले हैं, आप हमारा भी नाश करेंगे, इस दल का भी नाश करेंगे। नारद जी लगा कि मैं इस लीला को किस तरह कहूं कि मैं ऐसा करने वाला नहीं हूं, इसे किस तरह समझाओ। तो लीला जी को नारद जी ने अपने गुरु की कसम लेते हुए कहा, मैं तेरे गर्भ और तेरी रक्षा करने के लिए मैं उस दूसरी की विद्या को देता हूँ, तुझे न कोई देवता नष्ट कर सकेगा, न तेरे पुत्र को और कोई नष्ट कर सकेगा। और उन्होंने उस दूसरी की विद्या को उस गर्भ के लिए प्रदान किया। प्रहलाद को जिस दूसरी की विद्या को उन्होंने दिया वो बाल उत्पन्न हुआ, लेकिन कर्म और भाग्य हमने ऐसा दोहरा नाटक किया कि हिरण्यकश्यपु ने तपस्या से जीत कराया, उसको मृत्यु है, उसका मृत्यु भय करा गया, तो प्रहलाद को एक श्रेष्ठ सिरोपति बनाना चाहता था। और इस नारद वंश के ऐसे रहने का रूप हो, लेकिन उस दुष्ट की विद्या के कारण
उस नारायण भक्ति में, उस गुरुकार में, उस कर्म में, उस भक्ति में उसको अड़ने के निर्माण करने के लिए प्रहलाद को कितनी यातनाएं दी, बहुत से आप सदगुरु जानते हैं। आप सदगुरु ये बात जानते हैं कि प्रहलाद को किस तरह की यातनाएं दी, यह क्या युक्ति थी जो प्रहलाद ने सभी को सहन कर सका। प्रहलाद को गृहस्थी से उत्पन्न हुआ था, लेकिन नारद जैसे गुरु के पास रहने के कारण, जिस प्रसन्नी में विद्या का बोल प्रहलाद को के कारण उसको तेल में दबाया गया, अग्नि में जलाया गया, पहाड़ों से गिराया गया, शत्रुओं से काटा गया, सांपों से काटा गया, लेकिन वो मरा नहीं, उसका बाद में बात नहीं हुआ। यह नारद मोहन प्रसन्नी की विद्या थी जो प्रहलाद प्रदान की, जो लीला थी वो प्रदान की थी। और नारद जिस प्रहलाद को उन्होंने इतना महान बनाया, वो विष्णु भक्त अपने पिता के रहते हुए, पिता स्वयं राजा जिसकी पृथ्वी पर जिसकी पूजा होती है, सारे देवता को हटा दिया था, वैसे उसी का पुत्र अपने पिता का विरोध करते हुए विष्णु भक्ति कर रहा था। मैं यही कह रहा हूं आपको कि आप विष्णु भक्ति में जो अड़चन है, आप सीधा करके पहुंचने आपको अड़चन है, कई बाधाएं हैं, आपको बाहर घिरना पड़े या करना पड़े, तो भी आप बचते रहेंगे, इसलिए इस प्रसन्न की विद्या को करना है। आप कहीं बैठने जाना है, आप सदा वाले बहुत सारे संसार में मिल जाएंगे, आप इस आश्रम से बाहर गए तो ही रहने शुरू हो जाएंगे। अरे यार क्या बात है, सीधा यहाँ से रुकना हो गया, फिर बाद पता है पूरा सीधा मिल जाएगा, यहाँ से आकर नीचे चलता, यहाँ से आश्रम के बाहर से चर्चा अपने पास इससे शुरू हो जाएंगे। सिद्धार्थ ले जाने की बात तो दूर रही, घर में पति जाने की बात दस बार लगाए नहीं, सिद्धार्थ कह दिया इसमें यहाँ को देखने वाला है कि आश्रम पहली परंपरा का विधान है, पहली परंपरा आरंभ हो गया। फिर जिस दिन बुलाता कि सिद्धार्थ जा रहा हूं, उस दिन आना नहीं शुरू। गुरु जी सिद्धार्थ आप एक दो मिनट बाद नहीं जा सकते क्या? पहले गुरु जी को ऑर्डर करा दो तो एडवाइस। अब ऐसा ना करो गुरु जी, दो साल के बाद कम से कम दो महीने के बाद जाएंगे ठीक रहेगा ना? गुरु जी कहते नहीं, मैं अभी जाने वाला हूँ। गुरु जी जितने आए समझो, गुरु जी ने कहा कि मैं अभी जाने वाला हूँ, तो गुरु जी ऐसा करो, इस जन्म में मुझे माफी कर दो, मैं अगला जन्म में यहाँ सिद्धार्थ महाराज की बात करता हूँ, सीधे माफ करो, एक आशीर्वाद दे दे जाओ कि मेरे पास धन पत्ती सब कुछ ऐसा हो। गुरु तो आशीर्वाद देगा लेकिन तेरा धन खाएगा कौन? तू तो खाएंगे के लिए आना, तू तो सिद्धार्थ महाराज के लिए आना, तू तो आज के 4 साल के बाद जाएगा जाएगा, उस बाबू को समझ नहीं आया। और वहां से हटने शुरू हो गए हमारे जीवन में, हम चलते समय गिरे पड़े, ऐसी बाधाएं तो किसी भी ऋषि को, किसी भी तपस्वी को, किसी भी योगी को उसके मार्ग में आई ही है। लेकिन जिस योगी ने इस सिद्धि को प्राप्त किया है, जिसे प्रसन्न की सिद्धि कहा गया है, जिसकी सिद्धि को प्राप्त किया है, वो इन सारे अड़चनों को दूर करके भारतीय अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। और हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, हमें इसी विद्या को सीखना है, इस विद्या को एक नहीं दो बार, दो नहीं किसी बार, किसी चौथी बार करना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम सिद्धार्थ में पहुंचना है, हमें संसार समर्पण करके जीना है, असमर्पण नहीं किसी के सामने दूसरा का पार मांग नहीं मांगना है, हमें इस कृति के साथ जीना है, हमें मृत्यु से डरना नहीं है, हमें कोई मार नहीं सकता। एक बार की बात है, गुरुजी ने कहा संसार में ऐश्वर्य चलाया जाए, संसार में धन चलाया जाए, संसार में सब कुछ चलाया जाए, लेकिन एक नहीं जाना चाहिए, वो है धैर्य। और धन से धैर्य तब होता है कि उसको किसी को कोई उसको मार नहीं सकता, यदि उसको धैर्य और शरीर सदृढ़ है तो कहता है कि मैं जंगल में भी जाने के लिए होगा, लेकिन जब उसका शरीर क्षीण होते रहता है तो उसमें डर प्रदान होते रहता है, मेरा आगे क्या होगा, मुझे मेरा बच्चा पूछेगा या नहीं, मैं पलंग लेगा, मुझे मेरी सेवा कौन करेगी, मुझे खाना कौन डालेगा, ये सारी बातें कब याद आती है, जब अपने आप को अधिक क्षीण समझ लेता है, जब अपने आप को अपने बेहस करने लगता है, तब उसमें ये सारी सारी चीजें व्याप्त होती है। लेकिन जब अपने आप को मेहनत और सुदृढ़ समझता है, वो कोई भी कितना बड़ा महान राजा क्यों ना हो, कहता है मैं जी के बताऊंगा, मैं कहां भी जाकर जी सकता हूं, उसमें जीने की शक्ति हो, उसमें सामर्थ्य हो। और ये सामर्थ्य प्राप्त करने वाली यह प्रक्रिया, यह विद्या, यह पारस्य का विधान जो संजीवनी विद्या का है, ये आपके पास रहकर जिस पारंपरिक संजीवनी विद्या के साथ ब्रह्मा सूर्य इंद्र के साथ ने दिया है, उसको केवल केवल बिल्व पत्र के रस में घोटा गया है, उसमें और कुछ मिलाया गया नहीं, और उस घोटने की प्रक्रिया को कम से कम 60 दिन करना पड़ता है, रोज 6 घंटे सिर्फ बिल्व पत्र के रस में, इसमें दूसरा कुछ मिलाया नहीं गया है।
इस घुटने की प्रक्रिया दूसरे से मिले मिलाते हैं, शीशम से कहते हैं आप, उसे मिलाकर गुटिकाएं तैयार की जाती है। लेकिन जो गुटिका सिर्फ पालक के रस से पालक के साथ जली हुई हो उसे ही प्रसन्न गुटिका कहा जाए। उसके ऊपर उसका शरीर अगर बना हुआ हो उसके ऊपर पानी डाल देते हैं, अगर उसको नमस्कार पानी को पीते हैं तो ये अधिक प्रसन्न बन जाता है। उस गुटिका को हम हाथ में रखें और आप किसी भी प्रकार आपने छोटा मान सकते हो तो एक मंत्र बताता हूँ। उस मंत्र के साथ पिघला हुआ के पास है और एक भारत गुटिका उसमें डाल लिया, मैंने जो मंत्र बोला उसके साथ उसको एक कटोरे में रहकर मैंने जो मंत्र बोला उस मंत्र के साथ रखा है। केवल तीन तीन रोज तीन घंटे के साथ उस मंत्र है, जो अगर वो काम समझ में नहीं पता करने आप गलत कर दीजिए, मैं इतनी विश्वास के साथ गुटिका को बना के गया। जब उस तांबे के समय में बदलने की प्रक्रिया है तो आपके शरीर को आया करने में कितना कितना वक्त लगेगा, आप इस प्रक्रिया को करके देखिए। मैं वो मंत्र देता हूँ आपको, उस पारक के रस में पारक को घोट के देखे। लेकिन ये प्रक्रिया 60 दिन की है, रोज 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम में सिर्फ बिल्वपत्र के रस में उस पारक को घोटना है। 60 दिन घोटने के बाद रोटी का बदलती है, उसमें कुछ भी मिलाना नहीं। और उस पारक गुटिका के ऊपर उस संजीवनी यंत्र के ऊपर और उस रुद्राक्ष को धारण करते हुए अगर आप मैं जो मंत्र बोल रहा हूँ उस मंत्र का आप अध्ययन करके आने वाला श्रावण मास है, श्रावण मास के महीना पर रोज 5 बार मंत्र करते हैं, जो 11 बार रहता है विशेषता के साथ उसी सिद्धि होती है। सवार मंत्र अनुष्ठान उसके ऊपर रहता है और विशेष अनुष्ठान है। आप उस पारदुर्गा को आप उसके ऊपर पानी डालते हुए देखते हैं, पारदुर्गा आपके सामने रखते हैं और उस दूसरे जीवन के केंद्र के ऊपर पानी डालते किसी को भी पीने के लिए आपके घर में किसी प्रकार का रोग हो उसको 40 दिन तक देते हैं तो वह जरूर उस रोग का उसे कुछ एहसास अनुभव करेगा कि मैं उस रोग से निवृत्त हो गया हूं। मुझे चाहे मेरे लोगों के लिए निर्माण करना हो या आपके लोगों के लिए निर्माण करना हो, मुझे निर्माण करना ही है। आज जो आपके सामने पराशिवलिंग मैंने लाकर रखा है, पराशिवलिंग सामने है, आप देखिए वो काशी से बनकर आया है, जिसको करने के लिए जिनके पास मैंने भेजा था वो बार बार ये कह रहा था। मैं तो अगर आपको याद है अच्छी तरह तो मैंने आपके यह वचन दिया है कि 21 अप्रैल के दिन पराशिवलिंग की स्थापना करूंगा और वो सब नहीं हुआ और आज मैं उसको पूर्ण करके आपके पास जो लेकर आया हूं उसको करने में आपकी याद रखो कि मैं जनवरी में जो बात कहा आज जुलाई को 6 महीने का वक्त लगा उस पराशिवलिंग को बनाने के लिए। और ऐसी पारगुटिका ऐसी मृत्युंजय की विद्या जो आपके सामने वो गुरु ने दी हुई हो और जो मंत्र मैं आपको दे रहा हूं आप हर रोज श्रावण मास के पूर्ण महीना पर केवल 5 माला मृत्युंजय के यंत्र पर जय डालते हुए पारगुटिका पर जय डालते हुए समर्पण करें और उस जल को आप ग्रहण करें आपके घर के सारे लोग और आप अनुभव करें और जब भी आप उसे सिद्धाश्रम जाना हो या ना हो उस समय आप इस बात का जरूर याद रखे वह रुद्राक्ष आप ग्रहण किए गए हो और भारत गुटिका आपके साथ हो। मैं समझता हूँ हम मानसरोवर को पहुंचते किसी भी प्रकार के अर्थ में कोई बाला कोई प्रकृति की विविधता कोई तूफान हमें रोक नहीं सकेगा, हम जाते समय कोई पर्वत कोई पहाड़ हमें थकान या थकान महसूस नहीं होगी। ऐसी ही विद्या को मैं आपके पास जो रखा हूँ मैं यही बात बता रहा था हमसे नहीं मानते। उड़ी जो शरीर था उड़ से जलों से उत्पन्न हुआ शरीर था, हम हमारे इस विज्ञान को इस ज्ञान को गुरु जी हमारे में बार बार चेतना देते हुए कहते हैं कि तुम इस विज्ञान को विचार करो कि प्रहलाद ने शिक्षा क्षमता दी, कृष्ण ने शिक्षा क्षमता दी, वो 4 अशून्य सैन्य में रहने के बाद उनके उनके ऊपर एक गौर में लगा उन्होंने हजारों राक्षसों को मारा, हजारों लाखों सैनिकों के अंदर जी में रहे लेकिन उनको एक शस्त्र छेद नहीं सका। कभी विचार करो क्या ऐसा हो सकता है,
लेकिन ऐसा हुआ है। जिस महाभारत जिस रामायण का है, या तो आप महाभारत रामायण गलत हो या गलत से सही मानते हो, तो ये विद्या है इस प्रकार मान लो, और इस विद्या को बताने वाले सिर्फ मेरे गुरुदेव है। नारद जी ने जिसे मैंने नारद के पहले शिष्य वाल्मीकि के बारे में बताया, नारद के दूसरे शिष्य प्रहलाद के बारे में बताया, और नारद के तीसरे शिष्य है ध्रुव भारत ध्रुव। आप ऊंचे करके सुने तो ठीक रहेगा, क्योंकि मैं ये ध्रुव की कहानी बोल रहा हूँ तेलुगु में बोल रहा हूँ, आप हिंदी वाले जरा कान को ऊंचे कर दे, क्योंकि तेलुगु वाले आप सबसे नाराज है कि हमें विशेषता से तेलुगु में बात नहीं कर रहे, उनको उसमें तेलुगु में बताने के लिए बात नहीं होना पड़ता है। मैं उनको बता देता हूँ, आप अगर ऊंचे सुनेंगे या नहीं सुनेंगे तो बहुत सुन सकेंगे, हाँ बनकर बहुत अच्छे से सुन सकते हैं जिन्हें तेलुगु नहीं आती। नेनु నేనా ఆమనా ప్రతియోగు గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురు దేవ మహేశ్వర నమో సదాశివం గురు సూక్ష్మ గురు మహేశ్వర గురు అయిన వారు ఎప్పుడు తన గురుకునే ముందులో రోజుల్లో తాను తన శిష్యుల యొక్క మదిలో నివాసం చేస్తారు, తన శిష్యుడు చూస్తూ ఉంటారు. ఏ శిష్యుడైతే గురుకునే ఉన్నాడు తన గురు చరణాల్లో రాడు, తన జీవితంలో కూడా తన జీవితాన్ని పండుగలని కోరుకుంటాడు, తన జీవితంలో పండుగలే ఉండవలసింది. గురు పూర్ణిమ అనేది పండుగ పేరు శిష్యుడికి లేదు, పూర్ణత్వం అనేది గొప్ప జీవితం కూడా లేదు, ఆ పూర్ణత్వాన్ని ధరించే రోజే గురు పూర్ణిమ రోజు పడింది. శిష్యుడు ఎక్కడ ఎక్కడైనా ఉన్నా సరే తన గురు పూర్ణిమ రోజు మాత్రం తన గురు చరణాలను తప్పకుండా చేయవలసింది. ఎన్ని సమస్యలున్నా ఎన్ని బాధలున్నా చెప్పడానికి కారణాలున్నా అతడు ఆ రోజు తన గురుజనాలు వచ్చిన తన సంవత్సరం వరకు కావాల్సిన పూర్ణ శక్తిని అర్థం చేసుకుంటాడు అని ప్రభుత్వం. ఈ మూడు రోజుల్లో మొదటి రోజు నేను పరమేశ్వర గురు సాధన అనే సంసారాన్ని మీకు ఇస్తున్నాను. పరమేశ్వర గురు సాధన అంటే ఎప్పుడైతే సద్గురు లేరు ఏ కారణాలైనా తన శిష్యుడికి వాడి ధర్మంలో కానివ్వండి, వారి దగ్గర పాపంలో గోపాలలో కానివ్వండి, ఏ కారణ స్థితిని ప్రసాదింప చేయరు, అలాంటి అప్పుడు శిష్యుడు గురువు గారి గురువు గారిని సేవా శిష్యుడితో ప్రసన్నం చేసుకుని ఆ గురువు గారి ద్వారా తన గురువు ప్రసన్నం చేసుకుని ఆ స్థితిని పొందగలడు, దానికి ప్రవేశ గురు సాధన అన్నారు. అది మొదటితో నేను ప్రారంభించాను. అది మనిషిలో జీవితంలో మనిషికి చాలా కష్టాలు వచ్చిన రోజు ఆ కష్టాలను తొలగించే సాధనగా చెప్పబడింది. రెండవ రోజు మనిషికి విష్ణు సాధన చెప్పబడింది. గురు విష్ణు విష్ణు ఆయన బ్రహ్మ సృష్టికారుడే, విష్ణు స్థితి అనుకుంటున్న జీవితం గడపటి జీవితం గడపటి జీవితం ఆనందదాయకమై మన జీవితంలో ధనాత్మక ప్రక్రియ మన అన్ని గుణాలను విముక్తులు అయిన రోజే గొప్పగా చెప్పబడింది. ఎప్పటికైతే మన గుణాలను విముక్తం కాము ప్రముఖ సద్గురులు కూడా తన ఇంటి నుంచి బయలుదేరి వెళ్తున్నప్పుడు స్వామి గిరిజానంద్ అనే సాధువు ఆయన చెప్పిన విషయం ఏమిటంటే, నువ్వు ఎప్పటివరకు ఋణం నుండి ముక్తం కావు ముక్తుడు కావు అప్పటి వరకు నీవు ప్రపంచంలో నీవు ఏ సాధనస్థితికి పొందలేదు, అన్ని ఋణాల నుండి ముక్తులు అయ్యవాడే వాడు స్థితిని పొందలేదు. ఎందుకంటే ప్రతి ఋణం ప్రతి సాధువు తపస్సులో అడ్డంగా ఏర్పడుతుంది, అది రుణాలు ఏ రకాలు పూర్తి రకాలు రుణాలు ఉన్నాయి, ఆ రుణాలను ఎవరైతే ఎదుర్కొంటాడో తన చూసి ముందుతాడో వాడే స్థితిని పొందగలడు, వాడే తన కార్యాలు స్థితిని పొందగలడు, తన లక్ష్యాన్ని పూర్తి చేయగలడు. ఆ స్థానం ప్రసాదించాను. ఈరోజు లయ స్థితి ఉంది, లయము అంటే లీనం అవ్వడం, పుట్టినాం కాబట్టి జాతస్య మరణం బాగున్నారు, పుట్టినవాడు తప్పకుండా చెప్తాడు. చచ్చేది పశువుల మాదిరిగా కాకూడదు, చచ్చే పశువులు మళ్ళీ పశువులను కొట్టకూడదు, చచ్చే మానవుడు మళ్ళీ మానవీయులలో మళ్ళీ దివ్యమైన దేవుడు కొట్టాలి. అందుకని ఈ ప్రపంచంలో కూడా చెప్తారేంటంటే, మనిషి నుండి దేవత అవ్వాలి, దేవత నుండి ఋషి అవ్వాలి, దేవత అంటే గోపాల ఋషి, శ్రీరామచంద్రుడు దేవత పుట్టినా దేవత పుట్టినా వశిష్ఠ విశ్వామిత్రుడు వారు ఋషులైన వాళ్ళకి ఆధిపాద్యాలు ఇస్తారు. గురువు మహర్షి మహర్షి విష్ణు దగ్గర పెట్టినప్పుడు విష్ణు వెళ్ళి ఆయన పాటపడుతున్నాడు. అందుకని ఋషి గొప్పవాడు, ఋషియే అదితులు అనగా కశ్యప మహా
విశ్రాంతికి ఆదిత్యుడు అదితి అయిన ఆయన మరి పుట్టినవాడు ఆదిత్యుడు అని అంటే దేవతలు సృష్టి చేసేది కృష్ణుడు మాత్రమే. కనుక మనం దేవతల నుండి విశేషత్వంలో ఉండే విధానాన్ని గురి చూపించిన అదే అదే వేదం. వేదం ఈ కాదు అన్నమాట, వేదం నన్ను మరణించేవాడు, వేదం నా వేదన. కనుక మన వేదాలు ప్రపంచంలో ఎలా బతకవలేదు, ఎలా మోక్షాన్ని పొందవలేదు, ఎలా మనం మన గుడిలో లీనమవ్వలేదు, శూన్యంలో నిద్ర మాట్లాడు, శూన్యంలో ఎలా జరగదు అనే ప్రతి వేస్తాడు. మనకి ఆ శూన్యం మీకు తెలియదు, ఆ మాయామహాలయ శూన్యం ప్రపంచ శూన్యంలో ఏమీ లేదు. మనం శూన్యంలో చేస్తున్నాం, శూన్యంలో వెళ్ళిపోతాం. ఈ ప్రక్రియ సాగు సమాజీకరమైన మాట మాత్రమే తెలుస్తుంది, మనకి తెలియదు. కనుక ఆ జ్ఞానాన్ని పొందడానికి మనం చేసే ప్రక్రియ ఈ లయస్థితి సూర్యుడికి ఆలోచించబడాలి. ఎందుకంటే అవి అత్యంత ఆత్మ, వాటిని తెలివి ఏం చేయాలి, వాటిన్నింటినీ కదా అధినేను పెట్టుకుని వాటికి ఎలా మోక్షాన్ని మోక్షాన్ని ఇవ్వాలి, ఆలోచించేవాడు సమానంగా వాడిని అరగట్టి పెట్టినవాడు శివుడు. ఎందుకంటే మోక్షాన్ని రోజులు అవి ఎక్కడ రాకూడదని ప్రయత్నించేవాడు శివుడిని. మనం మృతిదేవతలు కాదు ఆలోచించేది, మనం మన లయంలో మన మోక్షం పొందే మాత్రంలో ఈ అడ్డంకులు అడ్డంకులు తొలగించేవాడాలి. శివతత్వాన్ని తెలుసుకుని మనం ఆ మహేశ్వరత్వాన్ని తెలుసుకుని ఏ విధంగా ముందుకు సాగాలి అనే విధానం లోపల ఈరోజు మహామృతి చేస్తాను. మహామృతి చేయాలంటే శివుడుగా కూడతాడు, మృతి చేయాలంటే వృత్తిని చేయించుకోవడం. వృత్తిని చేయాలంటే శరీరాన్ని సాగు చేయించుకోవడం కాదు, ఆత్మను శరీరాలు జయించేవాడు, ఆత్మ పరమాత్మను కలిగేవాడు, ఎక్కడ ఉన్న ఆత్మ అక్కడికి తీసుకొని పెట్టేవాడు. శరీరాన్ని సాగును మృత్యువు అని అనదు, ఆత్మను ఎక్కడ తీసుకొని పెట్టడానికి లయ చేయమండి. మన ఆత్మను తీసుకుని పరమాత్మలో విలీనం చేసే ప్రక్రియను మోక్షం అన్నారు. మిగతాదంతా చావులేదని ఉంటుంది, శరీరం పోతుంది. శివుడు అనే ఆ ఏక ఆత్మ, ఆ శివోహం ఏంటంటే నా ఆత్మను తీసుకొని పోయి మళ్ళీ ఆ శూన్యంగా పనిచేసి ఆ కల్పనలో వచ్చే అడ్డంకులు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి ముక్తి. ఆ ముక్తిని తొలగించి ప్రయత్నించాలి, మా ముక్తి జయమన్నాను. దాన్ని ముక్తి యొక్క ముక్తిని మనం జయించే విధానం. నాకు చాలా సార్లు ఇప్పుడు ప్రపంచం జరుగుతున్నాం సత్యం అర్థమైంది. ఈ ప్రపంచంలో రాజశ్వరణ గృహం అంటే పుట్టినవాడు తప్పకుండా చెప్తారు సత్యం. ఆ సత్యానికి అధిదేవుడు అయిన శివుడు శివుని ఆరాధించి రాష్ట్రపోయినాడు. అప్పుడు ఎవరు శివుడు అంటున్నారు, అయ్యా ఇట్లా ముసలి తీసి వాళ్లకు చుట్టాలని మా దగ్గర మీకు అందరూ చూసినప్పుడు అప్పుడు అప్పుడే అమ్మ అమలు చేసినారు కదా, మీకు మృతమైన లేదు కదా అన్నారు. మృతమైన లేకపోయినా వాళ్ళ శక్తి మేము జయించలేమని పోతున్నాం, మా రాజ్యం కార్యస్థితిలో తిరుగుతున్నాం కదా మా అమ్మే. స్వయంగా మహేశ్వరుడు కూడా తన వచ్చిన ఆహారంతోనే తన లోకాలు చదివి పాలించిన సంగతులు ఏమి ఉన్నాయి, మహిళాశ్వరుడితో శివుడు కానివ్వండి, భస్మాశ్వరుడితో శివుడు కానివ్వండి, కిరణ్యపాలతో విష్ణువు కానివ్వండి, బ్రహ్మాలు కానివ్వండి, తన లోకాలు మా గొప్పించి పాలించినారు ఈ రాష్ట్ర బలంతో వాళ్ళ యొక్క ధైర్యం బలం ఉంది. అంటే మృత్యుంజయ మృత్యుంజయ తత్వం అంటే ఏమిటి, ఈ చెడుని విష్ణువు ఎప్పుడైతే ఏ రాక్షసుని చెప్పినా జయజయని చెప్పినా చూడండి వాడు పోయి మళ్ళీ జయజయుగా మారాడు, దారుణంగా మారాడు అంటే ఆత్మ మళ్ళీ లయమే జయజయుగా మారాడు ఆయన మృత్యు విడుదల ఆత్మ మోక్షించున్నాడు. ఇదే విధంగా ఒకసారి కుంతి మన గాంధన ఎదుగుతుంది శ్రీకృష్ణుడికి, శ్రీకృష్ణ ఎంత అన్యాయం చేసినావయ్యా, శస్త్రం లేకుండా మా పౌరులందరికీ చంపేసినావు కదా, కొద్దిగా నీకు దయలేదా. కుంతిగా అడిగింది, కృష్ణ శస్త్రం లేకుండా వాళ్ళందరూ చంపినావు కదా, అర్జునుడు వాళ్ళందరూ చంపించినావు కదా అని అన్నాడు. అంటే శ్రీకృష్ణ అంటాడు, అమ్మా నాతో చేసిన నా జీవితంలో వాళ్ళు చేస్తే మోక్షపురాన్ని పొందేవారు, కానీ వాళ్ళు చేసిన దుష్ట శక్తులతో వాళ్ళ సంపాదన ఇవ్వలేదు కాబట్టి వాళ్ళ లక్షణం తెలుసుకుంటున్నా వాళ్ళ మోక్షపురాన్ని పొందారు, వాళ్ళు చావు పొందాలి రక్తాన్ని పోవాలని నేను సాధ్యమేనా. నేను ఆశ వాళ్ళు చచ్చిన ఉంటే స్వర్గానికి పోయేవాళ్ళు,
వాటి దుష్కరమలు అనుభవించాలని నేను నా చరిత్ర ఎందుకంటే వాళ్ళు లేదు ఎన్నిసార్లు సత్యం పెడినా రాయబారాన్ని పెడినా ఐదు విలీనము అని నేను పనులు పెడిన వాళ్ళు ఇవ్వలేదు కాబట్టి వాళ్ళ అభిప్రాయం లేదు కాబట్టి నా చరిత్ర చంపి వాళ్ళ సత్యం రాష్ట్రం కాబట్టి నేను వాళ్ళని చంపలేదు శస్త్రాన్ని ఎక్కలేదు అర్జున్ తో చంపించినాను అంటే వాళ్ళు విశ్వాసలేదు దుష్టని పిలిచే వాళ్ళు లేదు ఇదే చట్టం గల శ్రీకృష్ణుడు నేను ధ్రువుడు గురించి చెప్తూ మీరు అందించాలని అంటే ఉత్తరాఖండ మహారాజు దగ్గర ఇద్దరు భార్య కూతురు కూర్చుని ఉన్నప్పుడు ఒక భార్య ఏమైన రోజు తగ్గి ఆ భార్యను ఇంటి అవతల నుంచి అతనికి ఆరోగ్యంలో ధ్రువుడిని తనకి రాజు ఉండాలంటే భార్య సౌదైన భార్య కాపాడు తన కథ పెట్టుకునే కిరికి కింద ప్రదేశం ఆ అవమానాన్ని భరించలేక రాజశ్వరం నుంచి ధ్రువుడు ఇంటికి వచ్చి అమ్మ నాన్న నన్ను ఎందుకు ప్రేమించడు అని తన తల్లిని అడిగితే తల్లి ఆయన ఏం జవాబు చెప్తుంది ఏమి జవాబు చెప్పడానికి లేదు ఆయన నామీ తెలియదు నువ్వు నా కుటుంబం కాబట్టి సంవత్సరం నీకు దగ్గర రాని కదా జవాబు చెప్పక మన అదృష్టం రాయ అని చెప్పింది మన అదృష్టం అని అదృష్టం అని మనం అనుభవిస్తున్నాము మరి దురదృష్టం మన ఎప్పుడు ఉంటుందా వాడే అదృష్టం రాదా అని అడిగినాడు సినిమా ఇది దేవత కుటుంబాలు జరుగుతుంది ఆయన దేవత కుటుంబంగా ఉంటే కొంత అదృష్టం పెట్టుకోబడతారు మన దురదృష్టం వివరిస్తుంది కాబట్టి మనం విధంగా ఉన్నాం మరి నేను అమ్మ ఆ లేఖను ఎందుకు అడగకూడదు అన్నాడు మన అదృష్టం మారడానికి ఆ లేఖను ఎందుకు అడగకూడదు అని గురువుడు అంటే అది సాధ్యమైన తపస్సు వలన మనం దేవుడు దొరకడు అని తల్లి చెప్పే సమాధానానికి అమ్మ నేను తప్పకుండా దేవుడిని అడుగుతాను నువ్వు చెప్పి ఏ విధంగా అడగాలి తల్లి ప్రథమ దైవంగా ప్రథమ గురువు అని చెప్పబడింది కానీ తల్లి ఏ తన చిన్నప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది మాట్లాడటానికి తప్పసమైన మాటకి చెప్పింది దానికి తల్లికి సాధ్యమాలని చెప్పిన దానికి వెళ్ళడానికి అర్థలేదు అయితే ఒకరోజు తన అమ్మాయిని ధరించలేక అమ్మ ఈయన బతుకంటే నేను రాజకుమారి రాజకాకరానికి వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఏంటంటే ఇలాంటి బతుకంటే సమయమా నేను చనిపోతాను కానీ నేను అక్కడ వెళ్ళను అని తన తల్లితో చెప్పినప్పుడు తల్లికి బాధ వేసి లేదా చేయడు మన ఎన్నడూ దేవుడు తప్పకుండా అదృష్టాన్ని ఇస్తాడు మనం చూడాలి నేను అదృష్టాన్ని గురించి వేసిన మాకు చెప్పు ఏ రోజు ప్రార్థిస్తే అదృష్టం వస్తుందో నేను ఆ దేవుడి దగ్గర వెళ్తానన్నాడు ఆయన చెప్పింది చెప్తూ ఉంటాను ఆయన విద్య వృత్తాలు కానీ కాశీ వృత్తాలు కానీ ఏదో సాధు తపస్సు ఉన్నారు అక్కడ తపస్సు చేస్తే ఆయన దేవుడు ప్రత్యక్షం కాదు తన కంటికి తెలియదు చేసుకుని దేవుడు అంటాడు నేను అడుగులు వెళ్తానమ్మా నేను తపస్సు చేస్తాను నేను దేవుడు ప్రత్యక్షం చేసి నా అదృష్టం ప్రార్థిస్తాను గమ్యం ఇంట్లో తెలియదు తన తల్లి యొక్క అసమానం చూసిన బయలుదేరి ధ్రువుడు బయలుదేరినాడు తల్లి ఆత్మ పోషిస్తుంది ఏమని నా ధ్రువుడు బయలుదేరినాడు అతనికి సరి అయిన మార్గం ఏర్పడింది దేవా నువ్వు కనిపించాలి నువ్వు ఆశీర్వాదం లేవు అతని మార్గం చెప్పకూడదు పాము తెలియని అడగకూడదు రాష్ట్రం తినకూడదు ఆయన రక్షించి తండ్రి అని మాట్లాడి తన ఇంట్లో కూర్చుని ప్రార్థించాలి ధ్రువుడు అతని మార్గాన తపస్సుని వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆ తల్లి ఆత్మ అంటే నా మేము దురదృష్టాలు ఉన్నాం అదృష్టం మార్చుకోవడానికి వెళ్తున్నాను ఎట్లయితే ఒక పాస్పోర్ట్ మాట్లాడుతున్నాం ఆయన చెప్పి విన్నాను నాలుగు చెప్పింది దురదృష్టాన్ని అదృష్టం మాట్లాడంటే మామ మాట్లాడుతున్నాం అవును దేవత ప్రత్యక్ష ద్వారా జరుగుతుంది కదా నేను అందరికీ బయలుదేరి మరి దేవత ప్రత్యక్ష చెందిన తెలుసా అని అడిగితే నాకు తెలియదు అన్నాడు నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను చేస్తున్నాను నాకు ఉన్నాము నారాయణ అంటే ఎప్పుడు దేవుడు కనిపిస్తాడేమని నీవు ఏం చేయండి మనం ఇతర వచ్చే బాగుండదు నీవు ఎక్కడ కూర్చుని ఉన్నాము నారాయణ అనుకుంటున్నాడు నేను ఎక్కువ వస్తాను ఇతనికి ఎలాంటి అక్కడ కలగవద్దని అక్కడే ధ్రువుడు తపస్సు చేసినప్పుడు
మనం కష్టాన్ని సాధించవలే ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు
మనకు చాలా ఎంత మనం కోరుకున్నా దాన్ని మధ్యస్థే కానీ వారి వృద్ధి కాదు. వేరే విధంగా కావాలంటే 3 గంటల వారి వృద్ధి తయారు చేయవచ్చు. సీసంతో కలిపి మనం వేరే రసాలతో కలిపి వారి వృద్ధి తయారు చేస్తారు. కానీ అంతటి శ్రేష్టమైనది కాదు. కాశీలో పంపించి గంగాజల నీటితోనే భారతదేశంలో కానీ మరిస్తే కానీ రసాయనం తయారు కాలేదు. కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ పని ఇక్కడ నీళ్ళలో కలుషితమైన వాతావరణం ఉంది. గంగాజలంతోనే తయారు చేసే ఆ పారశ్రమ అలాంటి పరిస్థితులే తయారు చేసి ఆ పారిస్థితులను మనం సేవించిన వాళ్ళని మనం సేవించాం. స్వామి రెండు వందల 80 సంవత్సరాలు వచ్చిన వాడు ఆయన జీవితంలో లోకల్యాణం చేసే వాళ్ళు, మృతి నుంచి మృతుభయం నుండి తనను తను విడుదల చేసుకునే వాళ్ళు, ఈ సాధన తప్పకుండా జీవితం లేచి సాధన మార్గంలో గ్రహించే వాడికి సాధన తపస్సు సాధనకు అనుకూలంగా ఉండడానికి కనుక ఈ సాధన తీసుకున్న వాడు ఒకసారి నిలబడి నిలబడితే నేను సాధన చూస్తాను. జ్యులరీ మహాత్మీయ సాధన స్త్రీయుగా ఉంటాయి కేవలం స్త్రీ ఓం శ్రామ్
श्रीं श्रूं स्रः नमः ॐ श्रां श्रीं श्रूं स्रः नमः ॐ श्रां श्रीं श्रूं स्रः नमः। इस मंत्र को हर एक श्रावण मास में सवा लाख रूपये प्रयोग कर ले, सिद्ध भी कर सकते हैं या रोज पांच पांच श्रावण मास में कर ले, विधि ठीक है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सवा लाख मंत्र जप है, या हर रोज पांच मारा श्रावण मास का पूर्ण महीना, या कभी भी सवा लाख मंत्र जप करके सिद्ध कर सकते हैं। मंत्र उदय महाराज आपको भी लिखवाएंगे, स्त्रियों को अलग और पुरुषों को अलग, और उस मंत्र के बाद मैं आगे का कार्यक्रम आप सब समझाऊंगा। आप सब लोग बैठ जाए इंद्र को सामने। हर वर्ष साधन शिविर में भाग लेने वाले ऐसी शारदीय स्वामी है, अगर हर गुरुद्वारे में शारदीय हैं, हर बार करें ऐसे में गुरुनाम के शिव भवानी जी उनके गांव में राम मंदिर में साधना शिविर करने की इच्छा की है। उन्होंने बहुत अच्छा है विचार है, मैं इससे पहले भी गुना गया हूँ, लेकिन इस बार मुझे शिविर करने की इच्छा, क्योंकि दीदी के दोस्त साथी अच्छे हैं, वो उनको शिविर करने का की भी इच्छा होती है। गुरु अच्छा होना तो बाद में होता है, क्योंकि साथियों का भी जाना होता है। यहाँ नागपुर के सरपुरे यहाँ पढ़ने के अंदर लगाए हुए वो तो बोले ही बोले कि शिविर करना है, गवाने की बात को मानते हैं या नहीं, ये तो मैं मानता नहीं, लेकिन मेरे करे वो पढ़ने के अंदर लगाए हुए हैं, इसलिए गवाने जी और गणाए जी खुदी को यहाँ स्टेज पर बुलाता हूँ। और उनकी शिविर का नाम है सीता वल्लभ साधना शिविर रखना, जो राम मंदिर रहता है, ये हनुमान स्थिति दिवस है। गवाने जी पति और पति दोनों यहाँ स्टेज पर आए। यह शिविर 13 अगस्त को पुलवामा में राम मंदिर में होगा। मैं दोस्त यात्री को आह्वान कर रहा हूँ, वे पुलवामा में इस सीता वल्लभ साधना शिविर जिसकी चर्चा आपको बाद में साधना के लिए बताऊंगा, जिस सीता वल्लभ की साधना से सिद्धि पाने वाले हनुमान इस संसार में कितने पूजे हैं हर ग्राम में, ये आप सभी ने जानते हैं, इसलिए इस साधना शिविर का नाम सीता वल्लभ साधना शिविर रखा हूँ। पुलवामा के गौहाणी जी और उनकी पत्नी जो बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और हर बार कार्य में गुरुद्वारे में अपनी ओर से